गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। घर की याद नामक इस शीर्षक कविता में कवि ने अपनी जीवन की उन अनुभूतियों को उद्घाटित करते हुए यह कविता लिखते हैं। जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में थे, आप जेल में थे, उस समय घर की बहुत याद आती है। और घर की याद आते आते घर के सारे सदस्यों को याद करते हैं, जिसके कारण से उसका हृदय जो है भावुक हो उठता है। और उन्हीं भावनाओं को वह कविता के माध्यम से उकेरे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि यह बात कहते हैं कि आज बरसात हो रही है, क्योंकि मिश्र जी जो हैं कारावास में हैं, जेल में हैं, और उस दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, कहा गया पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही है, रात भर वर्षा होती रही है, ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर गए हैं। ठीक वैसे ही घिर गए हैं जैसे मेघ जो है घिरते हैं, मंडराते हैं। ठीक है, और आगे बात कहते हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और आगे बात कहते हैं, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। कभी यह बात कहते हैं कि मेरी नज़रों में मेरा घर के सदस्य तैर रहे हैं, अर्थात पानी बहुत गिर रहा है और घर के सारे सदस्य जो हैं उसके नज़रों के सामने तिर रहे हैं, अर्थात दिखाई दे रहे हैं, तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बात कहते हैं। आगे बात कहा गया, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। आगे बात कहते हैं, एक एक करके सबकी याद आ रही है, एक एक करके सबकी याद आ रही है। और जब एक एक करके सबकी याद आ रही है तो यह भी बात कहते हैं कि मेरा घर क्यों याद आ रही, क्योंकि मेरा घर जो है खुशियों का भंडार है। कहा गया ना, घर खुशी का पुर है जो, क्योंकि मेरा घर जो है खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है, परंतु वही आज मुझसे दूर हो गया है दुर्भाग्य से। इस प्रकार से कवि जो है बात कहते हैं। और आगे बात कहा गया, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि यह बात कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से अपने घर के सदस्यों की याद आने पर भावुक हो उठा है कवि जो है, और उसे अपने भाई बहनों को उनके आपसी प्यार की बहुत याद आती है, उसे इस कविता के माध्यम से चित्रित करते हुए कहते हैं। कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहते हैं कि उसके घर में चार भाई हैं। उसके घर में कितने भाई, घर में चार भाई हैं। और आगे बात कहा गया, मायके में बहन आई, आज उसकी विवाहिता बहन भी अपने मायके आई होंगी, अर्थात उनके घर आए होंगे, और उसे ना पाकर, अर्थात कवि कहता है कि मुझे ना पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी, वह बहुत दुखी हुई होगी। यहाँ पर कवि जो है अपने भाई बहनों के बीच जो स्नेह है, प्रेम है, उसे चित्रित करते हुए कहने लगते हैं कि वह बहन मुझे ना पाकर बहुत दुखी हुई होगी। परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर आगे बात कहा गया, परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर आ गई हैं। हाय रे परिताप के घर, बहन आई बाप के घर, अर्थात ये बात कहा गया है, आज उनको ऐसा लगता होगा कि उन बहन जो है अपने पिता के घर या भाई के घर नहीं आए हुए, बल्कि दुख और कष्ट के घर आ गई हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छाई होगी,
उनके जेल जाने से घर में उदासी छाई होगी, दुख का माहौल बन गया होगा, चारों तरफ उदास होंगे परिवार के लोग जो हैं, ऐसा बात कहते हैं। आगे बात कहा गया, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भूजा भाई प्यार बहने। कवि यह बात कहते हैं कि कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का आपस में गहरा प्यार है, चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं, और अत्यधिक स्नेह करने के कारण सभी के बीच में प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है, प्रेम व स्नेह का प्रगाढ़ रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, ऐसा बात कवि कहते हैं। और यहाँ पर कवि जो है अपने चारों भाइयों और बहनों के स्नेह को बताते हुए यह बात कहते हैं कि वास्तव में बहन और भाइयों के बीच में जो अटूट रिश्ता है, अटूट स्नेह प्रेम है, वास्तव में वह अत्यधिक सरलता से प्रवाहित हो रही है परिवार में, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।